अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक न्यू ब्लॉग के साथ आपको भाई फिर से हाजिर। जैसा कि हर वीडियो में मैं हाजिर होता रहता हूँ, तो भाई फाइनली इस वीडियो का बनाने का कोई रीज़न है, तो वो रीज़न क्या है मैं आपको आगे बताता रहूँगा। असल में मेरे पास कंटेंट वगैरह बहुत है, मुझे नादिर लोग भी बुला रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए। बाहर बना सकता था ये वीडियो, ये आज के व्लॉग में बाहर बना सकता था, बट मैंने सबको मना कर दिया क्योंकि मुझे लाजमी ये वीडियो बनानी थी। हर हाल में कुछ भी हो मुझे ये वीडियो बनानी थी। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि भाई कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने 60 दिन मुझे चैलेंज दिया था कि आपको डेली व्लॉगिंग करनी है। कुछ ऐसा हो गया था, तो भाई 60 दिन का आपके भाई को डेली व्लॉगिंग का चैलेंज मिला, तो भाई हंसी खुशी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो उसमें सीन कुछ ऐसा हो गया था भाई, 60 दिन का तो चैलेंज तो मिल गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट उसने मुझे व्लॉग के अंदर कहा था कि 3 से 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर व्लॉग होना चाहिए, इससे मतलब 3 से कम मिनट का व्लॉग ना हो। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और उस चैलेंज में हमारे साथ फात भाई और माली भाई भी गवाह हैं इस चीज़ के बारे में। तो मुझे चैलेंज मेरा दोस्त अथर ने किया 60 दिन का चैलेंज, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। सब कुछ सही चल रहा था पहले दिन से लेकर 28वें दिन तक, तुम्हारा भाई रेगुलर धमाकेदार व्लॉगिंग कर रहा था। इसी तरह भाई मेरे जोश और जज्बा ये था कि मुझे 60 दिन कंप्लीट करने हैं। अरे भाई ने 28 दिन तक रेगुलर वीडियो पोस्ट करना स्टार्टिंग की। भाई रातों की नींदें भी मैंने कुछ जगह आराम की है, नेट प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम, सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए भाई मुझे जज्बा चढ़ गया था कि मुझे लाजमी अपने दोस्त अतर का चैलेंज पूरा करना है। 60 दिन का चैलेंज तो मुझे करना है। बीच में रमज़ान भी आने वाले, अभी जैसे रमज़ान भी आने वाले, क्योंकि मैं कुछ ऐसा हो गया था भाई 28वें दिन आज अतर मुझे मिलने के बाद, भाई तुम चैलेंज हार चुके हो। मैंने बोला भाई किस तरह मैं चैलेंज हार चुका हूँ, तो भाई उसका कहने का मकसद ये था कि भाई तुमने, मैंने कहा था कि 3, 4 से 5 मिनट में लगा रहा कि मैंने बोला था कि 5 मिनट की व्लॉग अपलोड करनी है, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी अपलोड दिखाऊंगा। शॉर्ट वीडियो ये ना देख लें। घर के काम वगैरह होते हैं और भी जॉब के मसले मसाइल और टाइम पे रोका ये वो सब कुछ को देखा जाता है। सिर्फ ये नहीं है यूट्यूब की तरफ। अच्छा चलो भाई क्या चाह रहे हो, 60 दिन लगातार व्लॉगिंग करनी है। 60 दिन तक मैं लगातार वीडियो अपलोड करूंगा और इंशाल्लाह ये चैलेंज में जीतूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभार ऐसा दिन आ जाता है मसरूफियात की वजह से तो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी गिनती में। देखो इसने बोला है कि रेगुलर वीडियो होनी चाहिए, अब शॉर्ट वीडियो भी तुम्हारी 3-4 मिनट या 5 मिनट की हो कम से कम, शॉर्ट वीडियो भी। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, शॉर्ट वीडियो भी आपने देख ली, भाई उसने मुझे चैलेंज दिया। शुरू में मुझे कहा कि यार 2 से 3 मिनट आपको बस 60 दिन तक डेली व्लॉगिंग करनी है। मैंने कहा चलो यार मुश्किल नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। शुरू में मैं मान रही था कि मुझसे नहीं हो पाएगा यार 60 दिन तक चैलेंज, डेली व्लॉगिंग करना आसान बात नहीं है यार, जॉब पर भी जाना होता है, घर के अलग काम वगैरह देखना पड़ता है और डेली व्लॉगिंग भी। तो तुम्हारे भाई ने बगैर सोचे समझे चैलेंज तो एक्सेप्ट कर ली। तो भाई मेरे लिए कोशिश यही था कि मेरे को एक टास्क मिल गया था कि मुझे करना है। हमारे घर कैमरा भाई, तो तुम्हारे भाई ने भाई स्टार्ट कर लिया चैलेंज। फर्स्ट डे से लेकर 28वें दिन तक तुम्हारा भाई बगैर रुके, कोई बगैर किसी टेंशन के, भाई तुम्हारा भाई फरारी गाड़ी के भाई करके डेली व्लॉगिंग करता रहा। तो आज 29वां डे जो कि ये वीडियो पोस्ट हो रही है 29वें डे में, तो सीन कुछ ऐसा हो गया था भाई। अब वो अपने जुबान से मुकर चुका है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि भाई ये 1 month 30 दिन होने वाले हैं भाई बगैर रुक रहे डेली व्लॉगिंग कर रहा है। क्योंकि हमारे इधर लाइट प्रॉब्लम भी बहुत है, नेट इश्यू भी बहुत है, क्योंकि हमारे इधर 24 घंटे में से 4 घंटे लाइट आता, तो 20 घंटे हमारे घर में लाइट नहीं होता। फिर भी तुम्हारे भाई ने भाई कुछ भी करके, मोबाइल में चार्ज नहीं है तो मोहल्ले के किसी भी घर में देख के भाई थोड़ा सा भी देखते थे कि जनरेटर चल गया, चल मेरा भाई छोटे भाई को भेज दे चाबी चार्ज के कर दे, तेरे भाई को व्लॉग अपलोड करनी है। कुछ भी करके व्लॉग अपलोड करनी है। मोबाइल में चार्ज, नेट प्रॉब्लम, कभी इधर भागो कभी उधर, नेट प्रॉब्लम। तुम्हारा भाई ने कहा कि भाई करना है वीडियो पोस्ट करनी है, अतर भाई ने चैलेंज दिया तो करना है तो करना है। बट अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अतर भाई ने अचानक प्लान चेंज कर लिया। क्योंकि मुझे पता था वो डर जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि शुरू में मैं डर रहा था कि मैं से नहीं हो पाएगा, बट
मैंने हिम्मत की, स्टार्ट किया, सब कुछ किया, अब चलता गया चलता गया चलता गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे भाई के। मुबारक भाई को दो मुबारकबाद तो, दो भाई को मुबारकबाद तो भाई। 30 दिन 1 मंथ होने वाले हैं तुम्हारे भाई को डेली व्लॉगिंग करते हुए। बट इसी तरह चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मस्त 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 करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है लाजमी अतर ये वीडियो देखेगा, डेली व्लॉगिंग चल रही है मेरी। टॉपिक सिर्फ और सिर्फ टॉपिक ये था कि भाई मैंने शबे बरात वाले दिन ये वीडियो 4 मिनट 45 सेकंड का अपलोड किया था। क्यों? शबे बरात थी, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि तुम्हें पता है हज़ारों काम होते हैं और कब्रिस्तान वगैरह जाना था, सब कुछ करना था, मैं वहाँ चला गया था, तो इसी वजह से टाइम भी शॉर्ट था, तभी मैंने छोटा सा व्लॉग अपलोड किया। बट तुम्हारे भाई ने अपलोड किया, ये ना कि नहीं किया अपलोड, अपलोड किया। वो इस व्लॉग के चक्कर में बोला कि आप चैलेंज हार चुके हो। भाई मैं चैलेंज नहीं आ रहा हूँ, मैं चैलेंज नहीं आ रहा हूँ। क्यों मैं चैलेंज आ रहा हूँ? अगर मैं वीडियो पोस्ट नहीं करता कुछ भी, वो मेरा मसला है। अगर नेट प्रॉब्लम होता है, लाइक प्रॉब्लम होता, मैं व्लॉग अपलोड नहीं करता, तो जब जाके मैं चैलेंज हार चुका होता। मैं एक्सेप्ट कर लेता कि मैं रनर हूँ, तुम विनर हो। मैं मज़े से आके तुम्हारे गले में गुलाब का हार पहनाता कि भाई तुम विनर हो और मैं रनर हूँ, और मैं तुम्हें इज्जत से एक अच्छे से होटल में लेकर जाकर आपकी प्यार मोहब्बत के साथ आपको छोटा सा मैं डिनर कराता या लंच कराता, वो मेरे ऊपर होता। बट अब तुम डर रहे हो, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने 30 दिन कंप्लीट किए। 30 दिन बाकी मेरे लिए मुश्किल नहीं है, जब 30 दिन मैंने कंप्लीट कर लिए तो आगे के 30 दिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो भाई अतर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कहीं नहीं लेकर जा, मसला नहीं है। बट अपने चैलेंज से मुकर नहीं, तू हार गया क्या तू जीत गया, तू टेंशन नहीं ले, मेरे को नहीं जाना तेरे साथ भाई किसी भी होटल वगैरह में। बस चैलेंज को बरकरार रख के मेरे व्यूवर्स को भी पता चले कि वाकई मैंने 60 दिन तक डेली व्लॉगिंग तेरे चैलेंज के मुताबिक पूरी की है। डरने का नहीं बापा। फाद भाई और अमानी भाई को चैलेंज देने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले ये भी कहा था अतर को भाई, क्योंकि आपके चैलेंज के बीच में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ भी आएगा, क्योंकि फिर उसमें थोड़े मुश्किलात होते हैं। आप मुझे इतना सा तो ऑप्शन दो कि मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूं। बट उसने इनकार कर दिया, उसने कहा था कि 60 दिन तक रेगुलर वीडियो पोस्ट करनी है। तो भाई मैंने यहाँ तक के भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने सोच लिया कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से कुछ भी करके माइंड को थोड़ा डाल के कंटेंट पूरा करूँगा, ताकि मैं अपना चैलेंज ईद से पहले पहले कंप्लीट करूँ। बाकी तो भाई लास्ट बात है अतर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू बस चैलेंज अपना बरकरार रख दे मेरे भाई। 60 दिन का तुमने चैलेंज दिया, तेरा भाई पूरा करेगा। मेरे को नहीं चाहिए तेरा होटल, नहीं चाहिए कहीं जगह जाना भाई, बस चैलेंज में बरकरार रहना, भागने का नहीं डरने का नहीं मेरे भाई। चैलेंज को पूरा एक्सेप्ट करना। तो इसी तरह मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।